हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाउ टू चेंज वोटर आईडी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मींस हिंदी में कहते हैं चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र चेंज करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ है, आप ये ऑनलाइन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप वोटर आईडी पे करेक्शन कर सकते हैं। एड्रेस चेंज हुआ, नेम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज, ये सब करेक्शन के लिए आप मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। सी फॉर नाउ अभी हम या तो आपको न्यू वोटर आईडी बनाना है या आपको कुछ मींस चुनाव क्षेत्र चेंज करना है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फॉर्म 6 ये वेबसाइट है, nvsp.in, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। और करेक्शन के लिए आपको ये फॉर्म 8 फिल करना है। सो ये फॉर्म 6 आपको एक फॉर्म ओपन होगा, आप उस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। और ये फॉर्म बस आपको फिल करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करके सबमिट करना है। तो फॉर्म 6 क्या है ये देखते हैं। आपको जो भी स्टार मैंडेटरी है ये आपको फिल करना ही है। यहाँ आपको आपका नया चुनाव क्षेत्र ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद अगर आपका न्यू वोटर फर्स्ट टाइम वोटर आईडी बना रहे हो तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज शिफ्टिंग है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यह आपका नाम आएगा, ये हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। यह आपके डिपेंडेंट जो अगर फादर है, मदर है, वाइफ है तो उनका नाम आएगा और उधर उनका यहाँ पे उनका रिलेशन सिलेक्ट करना है। आपका यह डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करो, जो भी आप यह दो ऑप्शन है बर्थ के लिए, मीन्स ये जनवरी में आपको कितने साल हुए वैसे भी आप मेंशन कर सकते हो, आप डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यह आपका करंट एड्रेस फिल करना है जिसका एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एक करंट एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यह आपको टिक करना है, डेट सेट। ये ऑप्शनल है, इसे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपका फोटोग्राफ, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। एज प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, और एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड, ये दोनों के लिए चलेगा। और उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, डेट जो जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन का डेट आपको सिलेक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो करंट चुनाव क्षेत्र है उसका डिटेल्स यहाँ डालना है। ये लाइन आप ठीक से पढ़ लेना, ये कह रहे हैं कि आपका जो करंट चुनाव क्षेत्र है उसमें से आपका नाम निकाल दो और जो हमने स्टार्टिंग में ऐड किया वहाँ आपका नाम ऐड हो जाएगा। तो यह एड्रेस जो आपका करंट है, आपके वोटर आईडी पे एड्रेस होगा, करंट वोटर आईडी पे, ये यह डालना है। यह प्लेस डाल के एक कैप्चा फिल करके आपको फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगा, उससे आप आपका एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो। मैंने ये फॉर्म मेरा पूरा फिल कर दिया है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी मैंने अटैच किया है JPG फॉर्मेट में। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ मेरा एप्लीकेशन फॉर्म। और फ्रेंड्स, मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। उसके साथ ये वीडियो के साथ आपको अगर वोटिंग डिस्क पे एड्रेस चेंज करना है, कुछ भी करेक्शन करना है, तो उसका भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। और एक दोस्तों, ये ट्रैकिंग आईडी से, रेफरेंस आईडी से आप आपका एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे आपको ये ट्रैकिंग आईडी आपको डालना है और स्टेटस चेक करना है, ये है अभी सबमिटेड है, फिर ये चेंज होगा स्टेटस और लास्ट में एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड स्टेटस आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।